हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वार्म वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के 9 बज चुके हैं और फाइनली मिस्त्री आ चुके हैं। तो किचन वाली दीवार इतनी बची थी तो आज इस पे काम होगा, 3-4 और लगेंगे, उसके बाद बाथरूम की तरफ होगा। फाइनली किचन की ये भी दीवार बनके रेडी हो गई है। तो किचन की जितनी भी दीवारें थी वो कम्प्लीट हो चुकी हैं। तो मिस्त्री खाना खाओ, फिर उसके बाद बाथरूम की तरफ चलेगा। तो इसकी फिनिशिंग वगैरह भी कंप्लीट हो चुकी है, झूला पूरा हट चुका है, एक तख्त भी हट चुका है, तो इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं, कहीं पड़ा रहेगा। तो अंदर से देखते हैं। देखो ये दीवार कंप्लीट हो गई। इधर ये एक में गाटर रखा जाएगा, 2-3 रद्दे तक, बाकी बीम पड़ेगा। तो इधर गाटर रखे जाएंगे 1-2-3, और इधर बिल्कुल नखे छिके हुए नहीं हैं, और इधर भी नहीं है। एक स्लिप पूरी पड़ी है यहाँ से लेकर के वहाँ तक, और वहाँ से यहाँ तक, और ये उधर साइड पूरी पड़ी हुई है, लेकिन इधर आधी पड़ पाई क्योंकि इधर जंगला पड़ रहा था बीच में। तो खाना खाने के बाद मैं आ गया था, थोड़ा खेत जुतने को है। तो ये वाला पहले हैरो से कटेगा, फिर उसके बाद इसमें गेहूँ बोए जाएंगे, थोड़ी बहुत हवा वगैरह लग जाएगी, उसका सीधा रोटावेटर से इसमें गेहूँ बोए जाएंगे। तो खेत जुतना स्टार्ट हो चुका है, हैरो से एक ही बार होगा, उसके बाद सीधा रोटावेटर से बुआई हो जाएगी। तो एक बार जुत चुका है, अब दोबारा से फिर जोतने लगे हैं, इस बार उल्टा कट रहा है। उल्टे में सिस्टम ये है कि जितनी मिट्टी है पूरी मेड साइड जाएगी। इस टाइप से जाएगी इस साइड को। तो फाइनली दो बार खेत जुत के रेडी हो चुका है। अब इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना इसमें कल्टीवेटर चलेगा, ना अब हैरो चलेगा, अब सीधा रोटावेटर आएगा। देखते हैं एक बार रोटावेटर से करवा के उसके बाद ही गेहूँ फेंकेंगे, नहीं तो देखते हैं ऐसे भी फेंक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डेले वगैरह ज़्यादा नहीं है। तो बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी हो गई है, तो फिलहाल अभी घर चलते हैं, थोड़ी बहुत हवा लगने देते हैं, थोड़ी बहुत चिनाई करवाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, फिर शाम तक बोएंगे। और हमको जाना है इस रास्ते से, और पीछे इधर रहा वो सरसों के खेत के पास खेत है अपना, और यहाँ से जाते हुए ये अपना खेत रहा, ये जामुन है, यहाँ से लेकर के वो सरसों दिख रही है। तो यहाँ से चलेंगे इधर साइड होते हुए और मड़ी होते हुए सीधा गाँव में। तो फाइनली मड़ी पर पहुँच गए, तो ये गाँव की मड़ी है, तो इधर पेड़ वगैरह है, ये रहा मंदिर माता का, जय माता रानी, और ये जो रोड का काम चल रहा था तो इस पर पत्थर वगैरह पड़ के और रेडी है, बस अब इस पर डामर पड़ने को रह गया, बस ये रोड सीधी गांव को जाती है, और ये रहा गांव। कौन सी अच्छा दरवाजा पूरी फुल है, 5 फुट 2 इंच ये है। फाइनली बाथरूम की दीवार बनना स्टार्ट हो चुकी है। फाइनली बाथरूम की दीवार इतनी ऊंची हो चुकी है, अब एक तखत से नहीं पहुंच रहे, इसलिए दोनों रख के अब पूरा इस कॉलम के बराबर हो जाएगी ये दीवार, फिर उसके बाद बीम पड़ेगा चारों कॉलम पे, उधर किचन पे और बाथरूम पे। तो फाइनली बाथरूम की भी दीवार कम्प्लीट हो चुकी है, तो अब इधर का पोर्शन पूरा कम्प्लीट हो चुका है, अब पीछे चिनाई होगी। ले मिस्त्री चाय पियो भाई, गर्मा गर्म चाय बन करके आ गई। तो अब यहाँ पे काम होगा, जो यहाँ पे छोटा सा उस दिन बीम बनाया था ना, तो यहाँ पे लगेगी 4 इंच की दीवार वहाँ से लेकर के और यहाँ तक। तो ये पहले से ही पोर्शन उठा हुआ है, अभी तक इसके उधर चिनाई हो रही थी और उसके उधर हो रही थी। अब गांव वाले आलू देखो, ये देखो बेल देखो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, जबकि ये थोड़ी थोड़ी गिर चुकी है नीचे साइड को, और फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गई है। तो इसमें लागत भी बहुत लगी है, सोच लो इसमें मतलब लागत इतनी लगी है, मतलब 2 बीघा है वहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो 2 ट्रॉली पड़ा है इसमें घूरा, और 2 ही बोरी पड़ी है इसकी DAP की। हमें देना दे
तुम्हारी नन्ही बिटिया बड़ी हुई है। तुम्हारी कितनी बड़ी है? तुमने देखो होगा, तुमने देखो होगा। हमने देखो ना, इतनी बड़ी हुई है, हमें पता ना यार, हम बताते हैं ये खाली। तो तुम्हें अंदाज ही में आइयो। हाँ यो। चाचा बता, खरगोश पले हो? खरगोश। हाँ, वो तो ज्यादा अच्छा लगो कर किन की यार। ऐसा फिर वो खाएगा? जो घुमा तो है। का खाए बिटिया? रोटी और का। अच्छा, वो ना मुर्गा खाए है? शेर का डर मुर्गा। शेर तो मुर्गा खाए, लेकिन खरगोश का खाए? रोटी उन्हें बता दे। मुर्गा ना खाए? मुर्गा का ठुना खाए, मुर्गा को खावे और मुर्गा का रोटी देवे। अच्छा चला आटा, जब अपनी पर्स लिया, जब का पर्स में सामान है? का सामान है जी। जम है का अंदर? रुका होता है। दो पन्नी रख के फिर तो करूँगा तेल। अरे मेकअप का सामान है? मेकअप को हैं? मेकअप को नहीं, पर इसे ये बाकी मांगा लाते मोनोशिप की बात। मोनोशिप? मोनोशिप की बात? तो छोटी मोटी डॉक्टर नहीं है? और ये दवा गोली भाई तो लाओ ने वही पी ले मां। जे मोनो से प्यार दियो ना मिस्त्री, कम काम करता है जे। हाँ जी मिस्त्री, कम काम करते ना, मोनो से प्यार दियो। क्या ले ली? हाँ प्यार दियो। हाँ तुम तो चले रहे देखे ना, प्यार के जाओ। कैसी डॉक्टर नहीं हो तुम? कैसी है दिखाओ, देखें। पूरा मेकअप सामान है वो तो खाली है। हमने कहा भरी है, तो ठगती फिरती जाए भाई। तो शाम के 5 बजे हैं और छिनाई फाइनली कंप्लीट हो गई है। तो रद्दे लगे हैं इस पे 3 और चौथा उस पर 5-6 ईंटें लगी होंगी। तो कल किचन पर लेंटर पड़ेगा और हो सकता है अगर टाइम बचा तो बीम बन जाएगा। वैसे फिलहाल अब तो कोई काम नहीं है, जो खेत में गेहूं बोने थे ना तो उसके लिए ट्रैक्टर ही नहीं फ्री है, और वैसे भी सर्दी भी ज़्यादा निकली थी तो, और इसमें फरार वगैरह मिल जाएगी तो सुबह बोएंगे गेहूँ को। चिनाई का भी काम खत्म हो गया है तो बस अब एक ही काम बचा है, मैन इम्पोर्टेंट। तो जो कल ब्लॉग आएगा ना तो वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, तो चलेंगे उसी जगह पर जहाँ डेली ब्लॉग अपलोड करते हैं, तो वहाँ जाके अपलोड करेंगे। बस फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। गुड बाय। What you expect me to do? Push you away when we're both feeling blue.